आज काफी टाइम के बाद लेके आया हूं आपको कैसे भाई के पास, और आज की वीडियो बनाने वाला धमाका, क्योंकि अब से पहले भैया ने क्यूसी में डील नहीं की थी, तो आप लोगों की कमेंट्स मैंने पढ़ी, मैंने भैया को बोला भैया क्यूसी की डील लेके आओ, तो भैया बोले चलो आपके लिए कर दिया। तो आज की वीडियो में आपको P2P मिलता है, आईफोन में भी डील मिलेगी, क्यूसी स्टॉक भी मिलेगा, पेटीएम सब खाली हो चुकी है, मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ, ठीक है। तो ये दो चार बच रही है बस, जो थोड़ा सा ये बस ये, बाकी कुछ मेरे सैंपल्स यहाँ लगाए, जैसा आपको पता है अगर आप यहाँ पहले आए तो भैया के दो ऑफिस बराबर में है जहाँ पे कस्टमर्स है, यहाँ पे मैंने सबको निकाल दिया, आराम से वीडियो बना रहा हूँ, एजुकेशन के साथ वीडियो बनेगी, आराम से वीडियो को देखना, आज बहुत कुछ जो राज है वो खुलने वाले हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, जबरदस्त। तो थोड़ा सा समय हो चुका है, मतलब एक महीने के बाद करीब वीडियो आ रहा है, तो उसके भी कुछ रीजन होते रीजन होते हैं। रीजन एक तो फ्लिपकार्ट से माल का मारा। ये मैंने सुना है कुछ रेट का भी कुछ हुआ है ना अभी बीच में। हाँ, रेट कार्ड जैसे पहले माइनस पे आता था, मैं -7, -8, -10 पे भी हमने लिया हुआ है, तो -6, -7 हमने बेचा भी। हाँ, 5-6 बेचा हमने। अभी आज के टाइम में 100 फोन के ऊपर 4 लैपटॉप और रेट कार्ड आ रहा है +4, +3, जिसका जो मन आ रहा है वो रेट लगा रहा है। लैपटॉप मतलब समझा नहीं ये वाली बात क्या बोली। 100 फोन के साथ 4 लैपटॉप लेने पड़ेंगे P2P के, वो भी फ्री नहीं, पैसे दे के। लैपटॉप भी कंपलसरी कर दिए, लेने ही पड़ेंगे। हाँ, इस महीने का चलो हमारे बिक जाएंगे, हमारा तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो बिक जाएंगे, हम तो पहले बेच देंगे। और रेट कार्ड में जो बढ़े हैं थोड़ा सा, सर रेट कार्ड महंगा हो गया, अब थोड़ा सा हो गया महंगा ना, ज्यादा महंगा, जैसे लोग बोले भाई कैसे भाई पहले आप VRP -5 में देते थे, 6 में देते थे, अभी आप रेट टू रेट बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, नहीं तो रेट टू रेट नहीं, कल आज बॉक्स बेचे हैं मैंने, कल +4 पे हाँ +4, +5 में बॉक्स टू बॉक्स P2P दे रहा हूँ +7 पे। ओ भाई, अपनी मर्जी के मॉडल, पन्नी नहीं खुलेगी, पन्नी खुलेगी तो +12 पे +12 पन्नी खुलेगा, डिस्प्ले चेक हो जाएगी उसमें, फिर अभी फिजिकल पे दे ही नहीं रहा, फिजिकल बंद कर दिया हमने अभी 1-2 महीने के लिए, जब माइनस में आना शुरू होगा और माल क्वांटिटी में आना शुरू होगा तब ही दे पाएंगे, उससे पहले नहीं तो भाई बर्बाद हो जाएंगे। और क्यूसी का बोला था मैंने आपको, हाँ क्यूसी मैंने शुरू कर दिया, बहुत से भाई जो ऑनलाइन मंगाते बोलते भाई आपसे माल नहीं मिलता, क्यूसी माल नहीं हो, ऑनलाइन अभी क्या है P2P नहीं बेचूंगा, बॉक्स टू बॉक्स बेचूंगा या क्यूसी बेचूंगा। लोग क्या करते हैं, 20 फोन निकलवाते हैं, उनकी लिस्ट बना के दो उनको, हटा देंगे, ये हटा दो, ये महंगा ये हटा दो, हटेगा नहीं अब, या तो P2P लेना पड़ेगा, जो आप बोलोगे वही आ जाएगा, मतलब जिस कैटेगरी का आएगा वो लेना पड़ेगा। एक बार जो उठा लिया वो बिल बनने से पहले वो आपका हो गया, हो मतलब गया बस, हट नहीं, नहीं सकता, या तो फिर बिल ही नहीं बनेगा, या तो बिल ही नहीं बनेगा। बहुत से कस्टमर को मैं वापस भेज देता हूँ, वैसे तो मेरा जाता नहीं है कोई भी कस्टमर, जो हमसे जुड़ा है ना वो उनको प्यार से इतना है लोगों का, बस प्यार से समझा देते हैं, वो मान जाते हैं हमारी बात, आपको पता ही हमारे कस्टमर जो रिपीट कस्टमर है हमारे, मार्केट में अभी नया पंगा चल रहा है, P4 ले लो, P4 भैया। हाँ, ये P4 का क्या है, कबाड़ है भैया, वो लोग कह रहे इतना सस्ता मिल रहा है ना, तो वो माल उठा ले दिखाऊं क्या क्या कबाड़ है, जरा दिखाता हूँ, देखो दिखा देते हैं, ऐसा नहीं है अभी कस्टमर नहीं है, इधर देखो भीड़ लगी है, कस्टमर है, ये है देखो जी, इधर माल चल रहा है, ये कर रहे हैं इधर, हाँ इधर भी है कस्टमर, तो इधर भी माल चल रहा है, इधर भी माल चल रहा है, ये भी इधर, ये है जो मार्केट में P4 आ रहा है, सब कबाड़ ये देख लो, मेरे पास कितना भरा हुआ, कितना भरा हुआ है, कबाड़ है सारा, ये देखो जी, ये वही उठा सकता है जिसका रिपेयरिंग का सेटअप है, जिसका रिपेयरिंग का भी अच्छा बड़ा सेटअप है, बहुत बड़ा सेटअप है, हाँ तभी उठा सकता है, वैसे मत उठाना, जिसको रिपेयरिंग सेटअप ना हो वो ये माल ना उठाए, क्योंकि कबाड़ है, और वन शॉट डील में ले जाना जिसको चाहिए, वन शॉट डील में दे देंगे, पर पीस के हिसाब से दे देंगे वन शॉट डील में ना, वन शॉट डील के अंदर दे देंगे, पर पीस के हिसाब से जिसको भी लेके जाना है वो लेके जाओ, बाकी कस्टमर तो यहाँ पे मैंने दिखाया था, 2 केबिन बताए थे मैंने, अब थोड़ा सा यहाँ पे करते हुए क्यूसी ओके में हमारे पास कोई रेट क्या होने वाला है, थोड़ा सा क्यूसी ओके में जो मैं रेट दूंगा वो OG डिस्प्ले के दूंगा, OG डिस्प्ले के, अगर कॉपी होगी तो रेट कम होगी, ये बहुत अच्छी बात बोल दी अपने स्टार्टिंग में, और दूसरी बात अगर डिस्प्ले में मान लो लाइन आ रही है, सॉरी डिस्प्ले में डॉट है या लाइन है, थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रेचेस है, पीछे से मतलब बैक पैनल गंदा है, कैमरा ग्लास टूट रहा है, तो उसी हिसाब से हम उसको रेट कम कर देंगे, कम मतलब जैसी कंडीशन वैसे रेट हो जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली, अब ये बिल्कुल ओके फोन है, जैसे कि आप देख रहे हैं नोट 9 बिल्कुल ओरिजिनल डिस्प्ले के साथ, ये रहा ओरिजिनल डिस्प्ले के साथ है, नोट 9 है, नोट 9 तो ये आप आपको दे देंगे हम 6700 रुपए का OG डिस्प्ले क्यूसी में, हाँ 6700 रुपए तो बढ़िया डील है,
जबरदस्त लोग साथ साथ यार 72-72 सौ बेच रहे हैं। हाँ, 9000 का रिटेल में बेचता है। हाँ चलो जो भी है हमारा रेट कम ही होता है मार्केट से, जो हमारे जो बायर्स हैं उनको पता है, जो हमसे जुड़े हैं ना उनको पता है मार्केट से सबसे सस्ता रेट हमारे पास। नोट 5 प्रो है, नोट 5 प्रो जैसे कॉपी फोल्डर है, कॉपी फोल्डर है, ये बैक पैनल गंदा है, ये आया तो P4 में होगा, बट जब हम QC करेंगे तो P2 को हमको सस्ता करना बेचना पड़ेगा, इस पे मार्जिन लेना पड़ेगा, मार्जिन का ये हम आपको दे देंगे इस कंडीशन में 3800 रुपए का, 3800 रुपए का बॉक्स के साथ मिलेगा। हाँ, और ये बॉक्स इसके साथ है तो बॉक्स मिलेगा, जिसके साथ नहीं है उसके साथ नहीं मिलेगा जी। अब ये देखो ये वो कबाड़ था जो P4 वाला, ऐसे ऐसे फोन निकल रहे हैं बताओ जी। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा भैया P4 के चक्कर में वो जो P4 मिल रहा है ना अकेला मार्केट में सब कूड़ा है, एक साथ लगे हाथ जो ले पता कौन ले, जो रिपेयरिंग जानता है, जो अच्छी खासी रिपेयरिंग जानता है, आईसी लेवल का काम जिसको आता है, वो एक्चुअल में जो सेट है ना जिसको कंपनी बेच रही है, नाम नहीं बोलूंगा, वो NR सेट है। NR का मतलब होता है नॉन रिपेयरेबल, नॉन रिपेयरेबल जो रिपेयर नहीं किया जा सकता, आईसी वगैरह का काम होता है, नेटवर्क वगैरह वो वाले हैंडसेट है ये चीज। ये आ गया हमारे पास Narzo 50 है। अब इसका रेट मुझे खुद नहीं पता, स्कैन करता हूं। Narzo 50 ये हो गया, हमें तो आए हुए 18,000 रुपए के, मैं ये दे दूंगा 14,000 रुपए, 14,000 रुपए में। 30 का नया, 30,000 का नया 50% डिस्काउंट, बिल्कुल ब्रांड न्यू, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन, सुपर एकदम। ओके, ये सैमसंग वाले का बताओ ना एक बार भाई, सैमसंग वाला जो है, सैमसंग वाले ये वाला, ये वाला ये है S20 FE 5G, S20 FE, मार्केट का रेट इसका बहुत महंगा है, हम देंगे सस्ता। अब ये ऑनलाइन अगर बात करें तो करीब होएगा ये 40-35-40, पता नहीं ये नहीं मुझे पता, 5G है ना ये, 5G 35 के इससे प्लस ही होने वाला है, पता नहीं 30 के आसपास के महंगा है, 30-35 5G फोन है ये, आपको दे देंगे हम 16,500 में, सिर्फ 16,500 में, सिर्फ 16,500 में मिल जाएगा भाई, ठीक है। अब इसी में एक मॉडल है S20 FE, 5G नहीं है इसको, थोड़ी रफ है कंडीशन और ग्लास टूटा है, ये दे दूंगा सिर्फ 10,000 रुपए में, सिर्फ 10,000 रुपए में, राइट, कंडीशन थोड़ी सी ऐसी है, बाकी ग्लास ब्रेक है थोड़ा, ग्लास तो अच्छा, हाँ ये ग्लास में लाइन है हल्की सी बस, डिस्प्ले ओके एकदम, 10,000 रुपए आपको ही मिल जाएगा। अब ये X3 Pro है, X3 Pro, हाँ ये होगा 628 है, 628 मिल जाएगा, ये आपको दे देंगे बिल्कुल, कैमरा वैमरा सब चेक करके, नेटवर्क की गारंटी दूंगा हफ्ते से 10 दिन की, 7.5 नहीं नहीं ये X3 Pro है, X3 9.5 का होता है, 9.5 ठीक है, ये आपको हम दे देंगे मात्र 8,800 रुपए का, 8,800 जी, ये आपको मिल जाएगा सिर्फ 8,800 में, 128 GB वेरिएंट के साथ आपको मिलेगा, 8A ड्यूल QC में, QC के साथ आपको, ठीक है, फुल QC करके लो, 8A ड्यूल काफी अच्छा फोन है ये भी, जैसे इसमें थोड़े से माइनर से स्क्रैचेस हैं साइड से, ठीक है, इसके पैसे कम कर देंगे, ये आपको दे देंगे 3600 रुपए का, 3600 का, हाँ जिस तरह की कंडीशन, ये नहीं है QC में भी नेटवर्क चेक कर लो तो बस, जैसी कंडीशन होगी वैसा रेट होगा, तो ये QC के तो हमने ये देख लिया, P2P का भी हमारे पास काफी है, P2P माल तो भी जितना है सब बेचती है सभी, हाँ तो अब तो खैर ये है कि थोड़ा रेट कार्ड में भी हो रहा है, ओहो साथ है ओके डिवाइस, X2 7,500 रुपए में, X2 मिल जाएगा जीबी जो भी होगी, जो भी आगे आपकी, हाँ हाँ एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, जो बंदा बल्क डील लेगा QC में जीबी भी कुछ नहीं, सब जीबी तुम्हारी, जो भी निकलेगा सब, मतलब सब तुम्हारा, हम रेट दे देंगे बस, ओके उसको चाहे तुम 6128 निकलाए, 8128 निकलाए, 6064 निकलाए, हम एक रेट दे देंगे, सिर्फ एक रेट पे अपना जो है काम वो कर देंगे, हमें ये मतलब नहीं है, देखो 200-300 से उसको फायदा होगा, बिल्कुल ठीक है, उसको फायदा होगा तो मैं दोबारा आएगा, दोबारा हाँ ये बात है बिल्कुल, कस्टमर को दो पैसे बच रहे हैं तो वो रिटर्न आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली, और अपने पास वैसे सारा है नहीं, पर ये थोड़ा सा बचा हुआ है, इसके पास थोड़ा सा बचा है, एग्जांपल दे दो, P2P के कुछ लोग ऐसे ना, P2P हमारे पास कैसा जो है, मतलब क्या P2P में जैसे पेटी खोली हमने, हाँ तीन बंदे हैं, भाई 20 मैं लूंगा, जो कंडीशन के निकलेंगे, चाहे सारे P4 निकलाए, चाहे सारे P2 निकलाए, चाहे कंबाइन करके निकलाए, वो सब आपके, सब हटा नहीं सकते, हटाना नहीं है, चाहे रेट कोई भी निकल के आए वो पीस कंडीशन कैसे निकले, प्लस 5 पे मैं P2P बिल कर दूंगा, प्लस 4 पे 5 पे बॉक्स बेच रहा हूँ, बट अगर कोई मेरा बायर कोई अच्छा दूर से आ रहा है, नया काम स्टार्ट करना है, या पुराना बायर ही है, प्लस 5 पे मैं P2P बिल कर दूंगा, प्लस 5 P2P बिल हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये जितने भी अगर हम किसी को बॉक्स टू बॉक्स चाहिए, तो बॉक्स टू बॉक्स का अभी के टाइम करंट में क्या चल रहा है, मतलब कल बॉक्स टू बॉक्स बेचा है मैंने प्लस 2 पे, प्लस 2 पे
ओके, और अगर आज की बात करें तो कुछ आज नया माल अभी आएगा, पता नहीं है प्लस दो पे आप मुझे आता है या प्लस वन पे आता है, मैं 1% रख के मैं बॉक्स दे दूंगा। ओके, और वीआरपी सेम ही, कोई फर्क ऊंच नीच का फर्क नहीं, मतलब दो वो तीन बॉक्स की जगह वो एक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हमें 1% रख के उसको दे देंगे जो हमें बिलिंग आएगी। अब पहले माइनस पे आ रहा था, माइनस बेच रहे थे, जीरो पे आया प्लस वन पे बेच दिया, प्लस वन पे आया प्लस दो पे बेच दिया, समझ रहे इस चीज को? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप जैसे आज हो सकता है मुझे प्लस वन पे शायद आ जाए तो प्लस दो पे दे देंगे, प्लस दो पे या तीन पे जो भी, दो या तीन मैक्सिमम। हाँ। अब आपने बीच में एक बात बोली थी जी कि फोन के साथ लैपटॉप भी आ रहे हैं तो वो भी सेल कर रहे हैं हम? अरे हाँ, फ्लिपकार्ट ने क्या कर दिया इस महीने, 3000 का स्लैब दिया, 3030 का, और 100 फोन के पीछे 4 लैपटॉप दे दिए, वो लेने पड़ेंगे, वो भी पैसे दे के, फ्री नहीं। तो आप तो सेल कर रहे होंगे लैपटॉप भी, अगर कोई लेना चाहे मिल जाएगा मेरे पास? मैंने बल्क में जो खरीदा ना माल, अच्छा। मेरे पास बंदा है वहाँ पे नेहरू प्लेस में, मैंने बल्क में उसको दे दिया। अच्छा, उधर से उठा, उधर से मैं तो उसे दे दिया, मुझे टाइम है, किसी बायर को कंपेल नहीं करूंगा लैपटॉप के लिए, मार्केट में कंपेल कर रहे हैं, मैं कंपेल नहीं करूंगा। दूसरी चीज आईफोन का बताओ, आईफोन का अभी माल ही नहीं है मार्केट में, मार्केट में, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आपके पास है क्या? मेरे पास 7 पड़े हैं। कौन कौन से अपने पास? 7 पड़े हैं। 7 है, देखो एक्सेस पे बेच दिए मैंने। प्राइस क्या होने वाला है इसका, कितना जीबी है? 128 जीबी, 8500 रुपए। 128 जीबी, 8500 रुपए, महंगा है, बट क्या करें अभी मार्केट में माल नहीं, माल नहीं है, माल की थोड़ी सी दिक्कत है। जबरदस्त जी, बस 7 और बाकी अपने पास कोई ना, अगर कोई बड़ा मॉडल चाहिए तो दुकान का बायर बोलते हैं रेट महंगे है सर, जो फोन हमने पहले 28000 के बेचे हैं ना वो 31000 रुपए में बता रहे हैं, क्यों बेचेंगे? तो कस्टमर को अगर हम महंगा देंगे तो बोलेंगे यार तुम रेट लूट रहे हो, तो मैं वो काम ही नहीं करता जिसमें नाम खराब होता है, फायदा ही नहीं है कोई। बिल्कुल, तो जैसा कि हमने ये सारे यहाँ पर देख लिए, ये सब क्यूसी में है ना जी। अब जैसे ये देखो थोड़ा सा ब्रोकन है इसके सामने, लग रहा डिस्प्ले भी चेंज है इसकी ना, इसका रेट क्या होने वाला है? नहीं ये तो खराब वाला फोन है। अच्छा, खराब वाला, खराब वाला फोन है ये वही तो फोन पकड़ लो, जैसे Y73 है, कॉपी फोल्डर में आया, कॉपी फोल्डर किसी भी ग्रेड में आया, मैं आपको दे दूंगा सिर्फ 6500 रुपए में, 6500 रुपए में। हाँ, F17 ये पकड़ लो, ये दे दूंगा 5000 रुपए में, ये 5000 रुपए में दे देंगे। C01 ये दे देंगे आपको 3200 रुपए में, 3200 रुपए। OnePlus 5 दे देंगे आपको 5000 रुपए में, 5000 रुपए OnePlus 5। और ये जो प्यारा प्यारा रख रखा है आपने, हाँ इसकी ना डिस्प्ले थोड़ी सी ग्रीन है, अच्छा अच्छा ग्रीन शेड मारती है, ये आपको दे दूंगा मैं सिर्फ 6500 रुपए, 6500 रुपए में। हाँ। कौन सा है ये मॉडल? S10e है ये। हाँ, ये थोड़ी ग्रीन शेड मार रही है, हल्की सी हल्की हल्की सी, वो तो रेट इसका महंगा है बट 6500 रुपए में आपको दे देंगे। कैमरे में नहीं दिख रहा लेकिन वैसे हल्की हल्की नहीं, 6.5 में दे देंगे, 6.5 में दे देंगे, बहुत प्यारा जैसे Redmi 3S प्राइम है, ठीक है। अब इसकी क्रोम थोड़ी सी खराब है तो इसके रेट कम हो गए, बस इसका नहीं Redmi 4S, सॉरी ये इसका अगर 400 होता है तो 2700 रुपए का रेट है। ओके, अब इसकी क्रोम खराब है, 300 रुपए कम कर देंगे, 300 रुपए कम हो गए, ठीक है, उसमें उसको एवरेज आ जाएगी। ये जो रखा हुआ है हमने, ये एक्सेस है, इसकी डिस्प्ले में लाइन है, iCloud है, ये आपको दे देंगे सिर्फ 8000 रुपए में, 8000 रुपए इसमें डिस्प्ले में लाइन है और iCloud लगा हुआ है, 8000 रुपए में आपको 8000 रुपए में एक्सेस मिल रहा है। इतना सस्ता कैसा 8000 रुपए मात्र? iCloud है भाई, तो iCloud हटने में कितना वो लगता होगा? पता नहीं, हमने कभी हटवाया नहीं, वो काम इलीगल है। अच्छा, इलीगल है, फिर इलीगल है, वो काम नहीं करते। देख लो भाई iCloud लगा, बाकी आप कैमरा वैमरा यूज करना हो नॉर्मली तो ऐसे चलाना हो तो कॉलिंग वॉलिंग के लिए चलाना हो तो चला सकते हो। बिल्कुल, ये है कॉलिंग के लिए, कैमरा वगैरह यूज करना हो आपको फोटो वीडियोग्राफी के लिए। ये कौन सा मॉडल है? ये है 11 Pro, नहीं 11X Pro, 11X Pro। ये रेट तो बहुत महंगा है वो हमें, बट हम इसको कम करके बेच रहे हैं, हमें आया वो देखो 19634 रुपए में, 19634, बट हम आपको दे देंगे सिर्फ 15000 रुपए, मात्र 15000 रुपए, 15000। 5G फोन है, 5G फोन 15000 रुपए मिल रहा है, महंगा काफी रेट इसका, मार्केट जबरदस्ती है। और भी है क्यूसी में पड़े हुए, क्यूसी में चाहिए थे, बॉक्स के साथ भी आपको चाहिए वो मिल जाएंगे कुछ है। ओप्पो A5 ओरिजिनल डिस्प्ले के साथ मात्र 4400 रुपए, मात्र 4400 रुपए, ओप्पो A5 मात्र 4400 रुपए। X3 आ गया क्यूसी में, अब जीबी भी जो निकलेगी, मैंने जीबी नहीं देखी वो सब आपके, 7800 का, 7800, ठीक है जी, 7800 ये हो गया। ये भी X3 आ गया, अब जैसे Realme 7 है, Realme 7 कॉपी फोल्डर में है, कॉपी फोल्डर में ये आपको दे देंगे सिर्फ
45,000 रुपए कोवी फोल्डर सिर्फ 45,000 रुपए में दे देंगे आपको, मतलब जैसी कंडीशंस वैसे जो है फोन हो जाएंगे वो। हाँ। उसमें कुछ इसमें ग्लास ब्रेक है ये जैसा थोड़ा सा ठीक है ओरिजिनल फोल्डर है, हमने क्यूसी में डाला, ये डी ग्रेड में आ जाता है 4500। इसको P4 बोलते हैं हम, इसको डी ग्रेड बोलते हैं 4500 क्यों, ये मात्र 3200 रुपए में, मात्र 3200। ओरिजिनल फोल्डर 3200 रुपए में देखा, इसके उसी करा उसका ग्लास 400 क्यों, 300 रुपए में होती है आजकल तो। हमारे लिए तो खैर 300 में, लेकिन हमारे लिए तो भाई वाले के लिए हमारे तो 20 रुपए लगते हैं हमारे तो ग्लास 20 रुपए का मसी लड़की है, सब कुछ है हमारे पास तो। ये हो गया काम, चलो ये है मोटो G8 पावर नाइट, उसका रेट G8 पावर नाइट मोटो के, ये वाले मोटो के मुझे काफी अच्छे सेट लगे दोस्तों, अगर ये आपको चाहिए ना बिल्कुल फ्रेश पीस है ना एकदम, ये लेके जा सकते हो आप। ये मात्र आपको दे देंगे 4800 रुपए में, 4800 रुपए में देख लो भाई, नॉच डिस्प्ले फुल स्क्रीन है और बहुत अच्छा फोन है, गेमिंग फोन है, मात्र 4800 रुपए में आपको ये दे देंगे भाई। और क्या चाहिए आपको, नोट 5 प्रो क्यूसी में ओरिजिनल फोल्डर के साथ मिलेगा आपको 4250 रुपए में, 4250 रुपए में, हाँ 4500 का क्यूसी का रेट है मार्केट का, 4250 में दे देंगे, 4500 का रेट है। हाँ। बाकी ये बॉक्स वाले जो रखे हैं इनका क्या है, ये छठे वाले पड़े हुए छठे नार्ज़ो 50 आई है, आया तो बहुत महंगा होगा मुझे, मैं आपको दे दूंगा 4500 रुपए, मात्र 4500 दे देंगे मतलब ये है कि जो मार्केट में जितने भी रेट है हर तरह का माल आपको मिल रहा है, तो यहाँ आपको हर तरह का मिलेगा बॉक्स भाई। ये और चीज बताओ, अगर किसी को चाहिए तो 70 रुपए का बॉक्स में आपको मिलेगा हमारे खुद के, ये उस उन लोगों के लिए बना बना के रखे हैं जो कहते हैं भैया बिना बॉक्स के हमारे वहाँ फोन नहीं लेता कोई, तो हमारे से बॉक्स लेगा, बॉक्स ले। हाँ, और बॉक्स भी एक नंबर क्वालिटी है, हाँ बहुत बढ़िया, किसी के सर पे मारोगे सर मारना नहीं है दोस्तों। तो अपना ऑफिस का ओपनिंग और क्लोजिंग का टाइम वगैरह अब हमने चेंज कर दिया, सुबह 10 बजे से लेके रात को 8-9-10 कोई भी टाइम नहीं, मतलब जो जितने दूर से तक उसका बिलिंग ना हो क्लियर ना हो तब तक खुलता रहे। रात को 11 बजे गए थे हम बिलिंग करके, एमपी से पार्टी गई थी, 12 लाख रुपए का माल लेके गई है, जिस हिसाब से मतलब कस्टमर उस हिसाब से, पर सुबह 10 बजे के बाद ही आना है ऑफिस। हाँ, 10 बजे के बाद, और हाँ कॉलिंग टाइम भाई 11 बजे के बाद करो, व्हाट्सएप मैसेज करो करो बस, कॉलिंग मैसेज कर दो, अपने आप सबको जवाब मिलता है। हाँ। अगले दिन सुबह आके कॉलिंग मत करो, व्हाट्सएप मैसेज करो, नहीं करनी करो, पर सुबह 11 बजे के बाद करो, 7 बजे से पहले 7:01 हुआ नहीं बच्चे चले जाते हैं, उठाएंगे नहीं बिल्कुल, ऑफिस में पड़े रहते हैं हम, बिजी होते हैं। ओके, ये और कोई नया बार, एक चीज और बता दो, कोई नया बार काम स्टार्ट करना चाहता है वो क्यूसी ओके से करे, P2P के चक्कर में ना पड़े क्यूसी से करे, क्योंकि उसमें रिस्क नहीं है, आपके रिस्क नहीं है उसमें क्या है, भी आपको सपोर्ट भी कहीं से भी लो पूरी दिल्ली NCR में कहीं से भी लो, नया बायर 5-10 पीस से कुछ स्टार्ट करना चाहता है, 20-50 हजार रुपए लगा के अपना रोजी रोटी का अच्छा इंतजाम करना चाहता है, तो क्यूसी ओके, P2P ना ले। P2P में क्या है, मान लो 10 फोन ले जाएगा, 2 फोल्डर खराब निकल आए, 1 ग्लास टूटा निकल आया, ठीक है, और 1-2 नेटवर्क निकल आए, उसको लगाने में 5000 रुपए लग जाएंगे, परेशान हो जाएगा बिल्कुल। उससे अच्छा है क्यूसी ओके माल उठाओ और अपना आराम से, अगर किसी का जो पुराने बायर्स है वो तो करते ही है, करते ही उनको तो वो सारी उनको पता है ना किस तरीके से करना क्या है, उनके पास सबके पास रिपेयरिंग सेटअप है, वो कर रहे हैं, हमारे पास भी रिपेयरिंग सेटअप है, इसीलिए हम खुलवा देते हैं बिल्कुल, ठीक है। जिनके पास रिपेयरिंग सेटअप नहीं है, कोई नया बायर है, तो प्लीज ध्यान से सुने, क्यूसी ओके माल ले, कहीं से भी लो, कहीं से भी लो, ओके बिल्कुल डन।